Hello class, now our today's topic is cotton bud printing. तो आज हम आपको explain करेंगे cotton bud printing किस तरह से हम कर सकते हैं. इसमें हम यहाँ पर इसके लिए cotton buds use करेंगे. ये हमने कुछ cotton buds लिए हैं और उनको हम tie कर लिया है rubber band से ऐसे. और यहाँ पर एक हमने book को paint किया है sky blue color से. तो अब हम यहाँ पर start करते हैं. ब्रांचेस बनाएंगे पहले हम. इसके लिए हम वी आर यूजिंग ब्राउन कलर. ब्राउन कलर हम यूज़ कर रहे हैं. ब्राउन पोस्टर कलर है. इसे हम एक ट्री की हम ब्रांच बना रहे हैं. यहाँ पर हम पेंसिल का यूज़ नहीं कर रहे हैं. वी आर डूइंग डायरेक्ट ब्रशिंग. ये हमने 3 नंबर का एक ब्रश लिया है, उसी से हम डायरेक्ट कर रहे हैं. हम स्टार्ट करते हैं. तो हम यहाँ पर कलर लेंगे. हमने यहाँ पर क्रिम्सन रेड कलर लिया है. वी आर यूजिंग रेड कलर. ये जो हमने कॉटन बड ली थी, इनको हम इसके अंदर डिप करेंगे कलर के अंदर ऐसे.
और यहाँ पर हम इसका इम्प्रेशन देंगे फ्लावर्स का। आप इसको डिफरेंट वे में भी बना सकते हैं, दूसरे वे में। हम इसके लिए पर्पल कलर या येलो या दूसरे कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने रेड लिया है, यू कैन यूज़ येलो, ब्लू, पर्पल, एनी कलर यू कैन यूज़ विद योर ओन चॉइस। आपको जो भी कलर पसंद है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अभी नाउ आई एम यूजिंग वाइट कलर, इसके ऊपर हम वाइट कैसे देंगे, तो इसके लिए हम अब वाइट कलर का यूज़ करेंगे यहाँ पर। अभी हमने जो हमारे पास रेड कलर था उसी में हमने ये थोड़ा सा वाइट मिक्स किया है और हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका इफ़ेक्ट दे रहे हैं वाइट का भी। तो आप भी ऐसे ही डिफरेंट वे में कॉटन बट प्रिंटिंग के थ्रू ऐसे बना सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है। बनाकर एक
ठीक है, आपको एक ब्रांच बनानी है या आप खाली फ्लावर्स भी बना सकते हैं, लेकिन डिफरेंट वे में इस तरह से कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर डिफरेंट वे में ये किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड, एकदम ईजी है, आप बहुत ईजिली इसको आसानी से कर सकते हैं। ओके क्लास, बाय बाय।